हेलो गाइस, वेलकम टू शेरी एंड जेरी व्लॉग्स। आज फिर से मैं आपके पास आया हूं एक नया व्लॉग लेके, और मैं आपको दिखाता हूं मशीनी युग में भी कुछ काम ऐसे हैं जो हाथों से किए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं कि वीट सीजन में जहां पर पॉसिबिलिटी होती है मशीनरी की, तो मशीन जहां पर पहुंच सकती है वहां तक तो मशीन का काम ठीक है, लेकिन जहां पर मशीन नहीं पहुंच सकती वो काम कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ इस व्लॉग में। छोटा सा व्लॉग है बस, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा क्योंकि अब मैंने व्लॉग्स को ना छोटे कर दिए हैं। ज़्यादा बड़े बनाऊंगा तो फिर उसकी मतलब आदमी बोर हो जाता है, तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपको व्लॉग बनाऊँ। चलिए कोई बात नहीं, ये तो एक टेक्निकल चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि बिना मशीन के कनक की कटाई, आई मीन वीट का सीजन जो है कैसे काटा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। ये मेरी नाना जी का अगला खेत है, और यहाँ पर ना कुछ पेड़ लगे हुए हैं। ये देखिए किन्नू के पेड़ है, तो अभी कुछ टाइम पहले ही लगाए थे, आई थिंक पिछले साल लगाए थे। तो ये देखो कैसे काट रहे हैं, हाथों से काट रहे हैं। ये देखिए होता क्या है कि जो मशीनरी होती है, मशीनरी इन पेड़ों के बीच में से निकलेगी, तो यहाँ से फिर जो कंबाइन होती है तो फिर प्रॉपर तरीके से कैसे इसको काटना है वो, उसमें गैप रहता है। तो गैप को ख़त्म करने के लिए जो पहले से ही है, जो उसके आसपास की जो कनक है वो इस तरह से काटी जाती है। ये देखो इस तरह से पूरी की पूरी, मतलब ये सीध में ऐसे लेके जाएंगे पूरा। ये नाना जी है मेरे और वो मामा जी हैं, ऐसे पूरी सीध में इस तरह से सीधी काटी जाती है। तो ये वाली भी ऐसी, ये वाली भी जो है ये वाली लाइन भी सीधी काटी जाएगी, क्योंकि मशीन क्या करेगी, यहाँ से ऐसे एंटर करेगी, सीधी की सीधी ऐसे ले जाएगी, फिर यहाँ से वहाँ से बैक आएगी, फिर यहाँ से काटेगी, फिर यहाँ से एंटर कर जाएगी। तो ऐसे तो मतलब ये काम है, कोई भी काम जो खेती का है आसान नहीं है, वाकई में आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और किस तरह से काम कर रहे हैं देखो, हाथों से कैसे काट रहे हैं। मुझे याद है मैं जब बचपन में यहाँ पर वीट के सीजन में एक बार मैं आ गया था, क्योंकि मैं उस टाइम पे स्कूलिंग करता था, तो मैं बात कर रहा था स्कूलिंग कर रहा था, तो स्कूलिंग करते करते जब हम यहाँ पर नरमे की जो गोडी होती है वो भी की है मैंने, कनक भी काटी है। जब हम कनक काटते थे तो पूरा ये जो एरिया होता था वो मतलब लगातार कनक काटते थे, तो वो भी टाइम था यार जब बचपन में यहाँ पर आते थे। मुझे लगता है मैं उस टाइम पे आई थिंक आठवीं या नौवीं दसवीं में होऊंगा जब मैं यहाँ पर आता था, और कनक काटते थे हम, तो यहाँ से सीधा काटते थे, और वहाँ पर वो ना सामने पीछे आपको दिख रहा होगा नहर है, तो यहाँ से कनक काट के सीधा हम नहर में डुबकी लगाने के लिए चले जाते थे। तो अभी जो जून जुलाई में जब वीट का सीजन शुरू होता है तो उस टाइम पे ना कॉटन का सीजन जो शुरू होता है, कॉटन के सीजन में ना पेड़ छोटे छोटे होते हैं, इतने इतने बड़े बड़े, तो उससे थोड़े से और बड़े, तो उनकी ना गोडी करनी पड़ती है, उनकी जो फालतू का जो ग्रास है, घास है, उसको काटनी पड़ती है। तो उस टाइम पे भी हम आते थे जून जुलाई में तपती गर्मी, यहाँ से गोडी करते थे इसी जगह पर, यही वो जगह है जहाँ पर मैंने गोडी की हुई है। यहाँ से गोडी करते आगे करते जाते थे। वो तो अभी पोल्ट्री फार्म खुल गया जो आपको पीछे दिख रहा है वो देखो, इसकी मैंने एक आपको वीडियो बनाई है, शॉर्ट में बनाई है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से गोडी करते करते वहाँ जाते थे, वहाँ से देखा गर्मी लग रही है, ओह अब तो बर्दाश्त से बाहर है, फिर वहाँ डुबकी लगाने के लिए जाते थे। चलो ये भी एक याद ताज़ा हो गई, जब भी मैं अगले खेत में यहाँ पर आता हूँ तो मेरी यादें ताज़ा हो जाती हैं, सही में यादें ताज़ा हो जाती हैं। लाइफ यार कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हो जाती है, चेंज हो जाती है देखो। चलिए फिर आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, और ज़्यादा मैंने बड़ा बनाया नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत एंड जय किसान, स्टे ट्यून्ड।